नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लगे लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था में आई गिरावट और दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कायम है, ये कहना है इंडिया टुडे के ताजा सर्वे का। सर्वे कहता है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी फिर से अपने दम पर बहुमत हासिल कर सकेगी। इंडिया टुडे की ओर से यह सर्वे जनवरी 2021 में कार्वी इंसाइट्स के साथ मिलकर कराया गया है और इसका नाम मूड ऑफ द नेशन है। इंडिया टुडे के मुताबिक यह सर्वे देश के 97 लोकसभा क्षेत्रों और 194 विधानसभा क्षेत्रों में 3 से 13 जनवरी के बीच कराया गया है। इस दौरान 12,232 लोगों से बात की गई है। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो बीजेपी 291 सीटें जीत सकती है और उसे 37% वोट मिल सकते हैं, जबकि अगस्त 2020 में इंडिया टुडे के सर्वे में इससे 8 सीटें कम जीतने की बात कही गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। सर्वे कहता है कि आज चुनाव होने पर एनडीए को 321 सीटें मिल सकती है, जबकि 2019 में इसे 353 सीट मिली थी। एबीपी न्यूज ने भी सी वोटर के साथ मिलकर एक सर्वे कराया है। इस सर्वे में 543 सीटों पर लोगों की राय ली गई है। सर्वे में 55% लोगों ने पीएम मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए बेहतर बताया था तो 11% ने राहुल गांधी को, इसके अलावा ममता बनर्जी और मायावती को 1-1% और अरविंद केजरीवाल को 5% लोगों ने इस पद के लिए अपनी पसंद बताया था। सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी के कामकाज से लोग संतुष्ट है और कई राज्यों में मोदी की लोकप्रियता वहां के मुख्यमंत्रियों से भी ज्यादा है। तो ये थी हमारी आज की खास खबर। इसी तरह की खास खबरों के लिए बने रहिए खबरों की खबर में। तब तक ले नमस्कार।